बदन पे सितारे लपेटे हुए। बॉलीवुड में ट्विंकल टोज के नाम से पहचानी जाने वाली वैजयंती माला 60 के दशक की फेमस अभिनेत्री थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस के दम पर करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। वैजयंती माला ने उस दशक में फेमस सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी। साथ ही साथ सभी फिल्मी कलाकारों की तरह ही वैजयंती माला की अफेयर के चर्चे भी फेमस हुए, मगर एक्ट्रेस ने शादी उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से कर ली थी। तो चलिए जानते हैं वैजयंती माला के पति के बारे में कि आज वो कहाँ और किस हाल में है। बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन वैजयंती माला का जन्म 1936 में चेन्नई में हुआ था। वैजयंती एक ऐसी अदाकारा थी जिसे क्लासिकल डांस में महारत हासिल थी। वैजयंती माला जब महज 13 साल की थी तभी उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 1949 में तमिल फिल्म वड़कई से एक्टिंग की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि वैजयंती माला को स्टेज पर डांस करते देख एक निर्देशक ने उन्हें अपने फिल्म में एक्टिंग के लिए ऑफर दिया, लेकिन उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, लेकिन काफी मनाने के बाद आखिर उनकी माँ राजी हुई। वैजयंती माला ने 1957 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें उसी साल फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन वैजयंती ने यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि देवदास की जिंदगी में पारों से ज्यादा चंद्रमुखी महत्वपूर्ण थी, इसलिए अगर देना है तो बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दिया जाए। 1959 में फिल्म मधुमति, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। वैजयंती माला का नाम शोमैन राज कपूर के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि उनकी वजह से राज कपूर की पत्नी कृष्णा बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई और महीनों तक होटल में रही। बाद में वो इस शर्त पर मानी कि राज कपूर दोबारा वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे, जिसके बाद राज कपूर और वैजयंती माला का रिश्ता टूट गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार वैजयंती को निमोनिया हो गया था। उनका इलाज डॉक्टर बाली कर रहे थे। बाली भी उनके प्रशंसकों में से एक थे। वैजयंती का इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया और 10 मार्च 1968 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। हालांकि आपको इनके पति के बारे में बता दें कि 1986 में ही उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि वैजयंती माला आज 86 साल की उम्र में अपने बच्चों के साथ अपना आखिरी समय गुजार रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वैजयंती माला के पति के बारे में जानकर, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।